टाइम्स डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। आगामी 2023 में बर्लिन जर्मनी में विश्व भर के देशों में मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतियोगिता में भारत के बच्चे भी शामिल होंगे। पूर्व में इसी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों और कोच के चुनाव हेतु पावर लिफ्टिंग और रोलर स्केटिंग के राष्ट्रीय स्तर की नेशनल कोचिंग कैंप का आयोजन गुजरात में 16 से 11 जून तक हो चुका है। अब 11 से 16 जुलाई तक मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों की टीम में से चयनित खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने वाले हैं। रविवार 10 जुलाई को सभी बच्चे गुजरात के लिए रवाना हुए। इंदौर के पंचकुइया स्थित युग पुरुष धाम से भी बालिका पूजा परमानंद एवं माधवी परमानंद भी पावर लिफ्टिंग के लिए फाइनल चयन हेतु मध्य प्रदेश की टीम के साथ गुजरात के लिए रवाना हुए। इस दौरान 10 जुलाई रात्रि को भोपाल से खिलाड़ियों की बस इंदौर आई। यहां छोटी ग्वाल टोली पर सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तरकीबैस, जिला कार्य अधिकारी राम निवास बुधोलिया, युग पुरुष धाम की प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा, स्पेशल ओलंपिक भारत के विक्रम पुरोहित एवं युग पुरुष धाम में 3 महीने से चयनित मानसिक दिव्यांग बच्चों को विशेष ट्रेनिंग दे रहे स्पोर्ट्स शिक्षक हेमंत चौरसिया विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी ने देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में भोपाल से पधारी प्रदेश की टीम का पुष्प माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके पूर्व युग पुरुष धाम के बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तुर्की बेस एवं युग पुरुष धाम के प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने किया। युग पुरुष धाम के सचिव तुलसी धनराज शादीजा ने कहा कि युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के आशीर्वाद से इंदौर तथा मध्य प्रदेश से चयनित खिलाड़ी निश्चित रूप से प्रदेश एवं देश का मान बढ़ाएंगे। प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा ने बताया कि नेशनल ट्रेन और प्रतिभा श्रीवास्तव एवं राजेंद्र बारस्कर भी इन दिव्यांग बच्चों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विक्रम मैडम के पास तुम दो। मशहूर हो गया कभी से जाला जी का नाम, भक्तों के आप बनने लगे सारे बिगड़े काम। ध्यान ने जाला माँ पे अपना शीश चढ़ाया, माता ने कपट होके तुरंत सुख जिलाया। नहीं नहीं हम कम किसी ने नहीं बोले, हर आदमी का वो जीवन से हट नहीं सकता, हर कोई तुझे शीश मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके पहले हम लोग ने 7 अप्रैल को एक हम लोग यहाँ प्रोग्राम किए थे नहीं बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किए थे जिसमें हमारे पूरे इंदौर के मानसिक दिव्यांग बच्चे आए हुए थे। उसके बाद में हम लोग ने ऑनलाइन जिसमें इनकी रुचि है उसके अंतर्गत में हम लोग ने आवेदन बुलवाए थे। आवेदन बुलवाने के बाद में इन लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है, संस्थागत दिलवाए हैं, उसको शासन स्तर से नहीं दिलवाए हैं। ट्रेनिंग केवल अपने संस्थागत हुआ है और संस्थागत से ही सिलेक्शन हुआ। एक्चुअल में क्या था कि पूर्व में ये सिलेक्शन हो गए थे, इन लोग पहले से अभ्यास कर रहे थे, लेकिन कोरोना होने के कारण इन लोगों का उस समय जाना नहीं हो पाया था, तो उन्हीं बच्चों को इन लोग लेके जा रहे हैं आज अहमदाबाद। अपने यहाँ से युग पुरुष धाम से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से आज सिर्फ 2 बच्चों को ले जा रहे हैं। एक माधुरी करके नाम बच्ची है और एक पूजा करके नाम है, दोनों ये पावर लिफ्टिंग में जा रहे हैं।
तो आज इन लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे, जब वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो इन लोग बर्लिन चले जाएंगे जर्मनी में खेलने के लिए, जो अगले साल होने वाला है। इस तरह से नेशनल इंटरनेशनल इस तरह के गेम हम लोग को इनको शामिल करवा रहे हैं। साल ही ये बच्चों का चयन हो चुका था, लेकिन चूंकि कोरोना काल के कारण ये पूरा निरस्त हो गया था कार्यक्रम पिछले साल, तो वही बच्चों को इस साल यहाँ अहमदाबाद भेजा जा रहा है, जिससे अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है उसमें सिलेक्शन होने के बाद इनका सिलेक्शन होगा बर्लिन के लिए जो 2023 में समर गेम्स होगा। 7 अप्रैल को जो यहाँ पे अभय प्रशाल के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था, मानसिक जितने भी मानसिक दिव्यांग हैं उन सबका जो कार्यक्रम हुआ था, उसका उद्देश्य यही था कि कोरोना काल में जो उनकी प्रैक्टिस रह गई थी, बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, वो सब चीज़ को एनालाइज करके उनका मेडिकल स्क्रीनिंग हुआ था, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब जो अहमदाबाद में प्रोग्राम होगा, जो स्पोर्ट्स होगा, उसके अंदर इंदौर से जो बच्चे हैं ये दो हैं, एक पूजा है और एक है मधु, ये दोनों का चयन किया गया था पिछले साल, तो इनको अभी इस चीज़ में अहमदाबाद में जाने के लिए इनका चयन किया गया है। अभी अहमदाबाद जाएंगे, 11 से लेकर 16 जुलाई तक ये खेल चलेगा वहाँ पे। अगर ये वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बर्लिन जाने की, जो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए 5 दिन के, और अनीता मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इनको ट्रेन कर सकूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है ट्रेन करना, पर बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, कर पा रहे हैं। तो पिछले कुछ महीनों से साथ जुड़ा हूँ मैं योग पुरुष धाम के साथ, तो वहाँ पे मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मेरा नाम हेमंत कमल है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अभी उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाके अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम 2023 में जाएंगे जाने पर। श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग श्री पुरुष धाम में एक ही छत के नीचे जो बच्चों को संपूर्ण सुविधाएं देते हैं, चाहे वो योग हो, स्पोर्ट्स हो, स्पेशल एजुकेशन हो, फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल, इसी का ही परिणाम है कि हमारे बच्चे हर कार्यक्रम में एक्टिव होते हैं। इसी बीच हम लोगों ने अभी हेमंत सर, जो कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर है, अभी पिछले 3 महीने पहले ही हमने उनका अपॉइंटमेंट किया था, और वो डेली 4 से 5 हमारे पास में एक जिम है, वहाँ इन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं। पूरे एमपी के बच्चे अपने ही है, हमारे बच्चे पहली बार जा रहे हैं, अगर ये थोड़ा भी अच्छा करके आते तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। कौन से खेल में इनका सिलेक्शन हुआ? ये हमारे यहाँ पावर लिफ्टिंग में पूजा और माधुरी का हुआ है, एक बच्ची और है तेजल, जिसका साइकिल में हुआ है, और वो 22 तारीख को झारखंड जाएगी। प्रशासन किस तरह से पूरा सहयोग कर रहा है? प्रशासन का सहयोग तो आप अभी देखिए, हमारी जेडी मैडम जो सामाजिक न्याय विभाग, आप सोचिए वो अभी खुद भोपाल में ऑफिशियली काम से आए हैं 8:30 बजे, और इन बच्चों के लिए रात्रि तक 11 बजे तक खड़े। इससे बढ़िया प्रशासन का काम देखिए, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी बुधोलिया सर, वो भी अभी आके गए, चूँकि बस आने में लेट हो गई, फिर भी वो बोल के गए कि मैं इन बच्चों के लिए ज़रूर आऊँगा। तो पूरा महिला बाल विकास विभाग हो या सामाजिक न्याय विभाग, और सबसे ज़्यादा हमारे श्री उपज धाम में हमारे बड़े सर तुलसी धनराज सादीजा जी, जो हमें किसी भी काम के लिए मना ही नहीं करते, उसी का परिणाम है कि ये बच्चे बहुत आत्मनिर्भर होने की ओर प्रयास